चलो शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट को पढ़ लिए थे, तीन फॉर्मूला हम वहाँ पे बता चुके थे, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब काउंट से बना है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब जो काम लगातार जारी रहता है हम लोग उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो ये कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल सा इनका पहचान क्या पढ़े हम लोग, वर्ब के अंत में रहा है, रहे है, रही है, ये सब अगर लगा रहे हैं तो टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो अगर हम इसका आइडेंटिफिकेशन को लें तो आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, वही सब लिखेंगे हम लोग फिर। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, वर्ब प्लस रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ, ये सब अगर सेंटेंस के लास्ट में लगा हुआ है तो टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब ये तो इसका पहचान हो गया। अगर अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, और इसके बाद इसमें चलता है आपका इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, और प्लस इसमें भी फोर में हम बात कर रहे हैं, अने भी फोर जो वर्ब आएगा उसमें आई एन जी हम लोग लगा लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा बनाने का ये सब रूल, पहले से भी हम लोग पढ़े। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर इज को अगर जानो तो देखो इज कहाँ लगता है जी, तो इज लग जाएगा जब सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो हम उसके साथ इज लगाएंगे। एम किसके साथ लगता है, तो जब सब्जेक्ट आई रहेगा, और आर किसके साथ लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो जब सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो हम वहां पे लगा देंगे आर, सब्जेक्ट अगर रहेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो हम वहां लगाएंगे आपको इज, और जहां पे सब्जेक्ट आई रहेगा हम उस जगह लगा देंगे एम। देखो एम जो है, एम हेल्पिंग वर्ब आई के साथ लगता है, ठीक है, एम हेल्पिंग वर्ब आई के साथ लगता है। तो अब एम के बारे में हम इतना सिर्फ आपको कहेंगे कि जो वर्ड डिक्शनरी में एडजस्टेबल नहीं था, वो एडजस्ट नहीं कर रहा था, तो वो वर्ड को डिक्शनरी में नहीं रखा गया। एम को, एम वर्ड ये आपको फिर इंट्रोड्यूस क्यों करा डिक्शनरी में, क्योंकि ये एडजस्ट नहीं हो रहा था। तो हम ये बता रहे हैं कि इसीलिए आप यहाँ देखिएगा, जब क्वेश्चन टेक बनाइएगा आई एम वाले का तो आपका आरेंट आई बन जाता है। तो जब सर आरेंट आई बन जाता है, एमेंट आई नहीं बनता है, एमेंट नहीं होता है, तो फिर एम को क्यों लिया गया, क्योंकि एम एडजस्ट नहीं कर रहा था, आई के साथ एम क्यों लगता है, एमेंट आरेंट क्यों होता है। चलिए ये हम आप लोग के लिए, चलिए एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, फिर कभी हम आपको बतलाएंगे। एक डेढ़ महीना का टाइम ले लीजिए, सोच करके लाइएगा आरेंट आई क्यों होता है, एम क्यों होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक दो सेंटेंस हम ले रहे हैं, आई एम लविंग इट, और एक सेंटेंस ले रहे हैं आई एम लविंग यू। अब आप लोग बतलाइए, अब देखो दोनों एक ही तरह का सेंटेंस है, एक सेंटेंस है आई एम लविंग इट और एक सेंटेंस है आई एम लविंग यू, जिसमें से ये वाली सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। अगर एग्जाम में हमको इस तरह का सेंटेंस दे दे तो हम इसको एरर बता देंगे, लेकिन ये वाली हमारा सेंटेंस सही है, आई एम लविंग इट। चलिए आप लोग को अब सवाल पूछते हैं, मैकडी का स्लोगन क्या है, तो मैकडी का स्लोगन है आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट। ये मैकडी में, मैकडोनल्ड में मिलने वाला जो मैकडी है, पिज्जा बर्गर ये सब जो मिलता है हम लोग खाते हैं, वहाँ पे हर जगह दीवारों पर हर जगह स्लोगन लिखा रहता है आई एम लविंग इट, और आई एम लविंग इट का मतलब, यहाँ इट का मतलब वो चीज़ जो आपको मैकडोनल्ड में मिलता है, तो उसके लिए यहाँ पे हम लगाएंगे, सेंटेंस सही होगा। अब एक और सेंटेंस लेते हैं, I am having a piece of cake। अब ये सेंटेंस सही है या गलत,
तो ये सेंटेंस भी सही है, पहला भी सेंटेंस सही है, आई एम हैविंग ए पीस ऑफ केक, ये सेंटेंस सही है। देखो आखिर ये सेंटेंस सही क्यों है, और इसके लिए ठीक से ये थोड़ा सा समझा करिएगा, एक स्टोरी की तरह आपको अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ बतला रहे हैं। तो अब देखो यहाँ रूल क्या कहता है, हमारा रूल कहता है कि कोई भी जो हमारा इंद्रियों से जो हम काम करते हैं, हमारा जो सेंसिटिव ऑर्गेन्स है, हमारा जो सेंस ऑर्गेन्स है, हम अपने पांचों इंद्रियों से, ज्ञान की इंद्रियों से जो काम करते हैं वो सभी होता है सेंसिटिव, सेंसिटिव वर्क, सेंसिटिव ऑर्गेन्स का ये सब जितना भी काम होता है। तो सेंस ऑर्गेन्स से हम जो भी काम करते हैं, हमारा ग्रामर कहता है कि उसमें आईएनजी लगाकर हम उस वर्क का V4 नहीं करते हैं, उसका हम V4 नहीं करेंगे। अब सेंस ऑर्गेन्स क्या है जी, सेंस ऑर्गेन्स हमारे पास पांच है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा है। तो हमारा आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये हमारा पांच ज्ञान इंद्रियां हैं। पांचों ज्ञान इंद्रियां से हम दुनिया का जितना भी काम करते हैं उसमें आईएनजी फॉर्म कभी नहीं लगता है, कभी नहीं लगता है। तो फिर लेकिन ग्रामर हमारा वहीं दूसरी तरफ से एक रूल फिर ये कहता है कि जहाँ खाने पीने की मामला हो, खाने पीने की जब मामला आती है, खाने पीने की जब बात होती है, तो उस मामले में हम लव का V4 लविंग करेंगे और उस मामले में हम हैव का V4 भी हैविंग करेंगे। बाकी ये दो फॉर्म को छोड़कर किसी भी कंडीशन में हम लविंग या फिर हैविंग का प्रयोग नहीं करेंगे। अने लव भी आपका सेंस ऑर्गेन्स का वर्क है। तो आपका सेंटेंस हम यहाँ लेके छोड़े, आई एम लविंग इट, ये सेंटेंस सही है और ये स्लोगन है मैकडी का। और यहीं पे अगर कोई सेंटेंस लिखता है कि आई एम लविंग यू, तो फिर यहाँ ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये सेंटेंस लिखते हैं आई एम हैविंग ए पीस ऑफ केक, तो हमारा फिर ये सेंटेंस भी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे वो केक की बात करता है, एक पीस केक की। तो केक खाने पीने की चीज़ है, यहाँ लविंग का मतलब, ईट का मतलब मैकडी में मिलने वाली वस्तु, खाने की सामान का, बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब चीज़ का बात करता है, इसीलिए हमारा ये सेंटेंस भी सही है। लेकिन यहाँ पे आई एम लविंग यू, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, यहाँ जो ये सेंटेंस है ये रॉन्ग है इस जगह, क्योंकि लव का V4 ING नहीं लगेगा। अब इसके लिए एक इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए अब यहां पे देखते हैं हम लोग। हम ये कह रहे हैं कि सेंस ऑर्गेन से हमारा जितना भी काम होता है, जैसे आते जाते, खाते पीते, उठते बैठते, मैंने एक लड़की को देख लिया, तो सी, हम ये कह रहे हैं कि सी में आई एन जी सिंग नहीं करेंगे। जब हम इसको देखे तो हम देखने के बाद हमको ये लगा कि इससे हमको लव हो गई, है ना, प्यार हो गया, लव का V4 लविंग नहीं करेंगे। और फिर इसके बाद लगा कि ये जो है फोन पर किसी से बात कर रही है, आपने इसको हियर कर लिया, हम इसको हियरिंग नहीं करेंगे, इसको हियरिंग नहीं करेंगे। इसकी बाल की खुशबू बहुत बढ़िया थी, इसकी बाल की खुशबू बहुत बढ़िया थी, स्मेल, सूंघना, स्मेलिंग हम यहाँ पे नहीं करेंगे, स्मेलिंग नहीं करेंगे। दूसरा वर्ड ले रहे हैं, इसको स्मेलिंग नहीं करेंगे। फिर अब आप इसके बारे में बहुत सब ड्रीम देखने लगे, ख्वाब देखने लगे, सपना में रहने लगे, हम ड्रीम का ड्रीमिंग नहीं करेंगे। डी, चलिए थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको, हम ये करें कि इसको हम लोग ड्रीमिंग नहीं करेंगे। ये ड्रीम में रहने लगे, सपने में, ख्वाब में आप खो गए, तो हम ये करें कि यहाँ इसको हम लोग ड्रीमिंग नहीं करेंगे। तो ड्रीम तो होगा लेकिन हम इसको ड्रीमिंग नहीं करेंगे। और ये होते होते मन में आपका आया कि इसके हाथों का खाना बहुत सुंदर बनता है, अने स्वादिष्ट टेस्ट है, तो टेस्ट को हम टेस्टी नहीं करेंगे, बहुत टेस्टी है, तो इसको हम टेस्टिंग नहीं करेंगे। और अब आपका मन हुआ कि हम इसको टच करके देखें, छू करके देखें, तो स्पर्श करके देखें, तो टच का हम V4 टचिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेंस ऑर्गेन्स है।
अब आपको यहाँ पे आपको पता चला कि नहीं, इससे बातचीत करना है और ये अभी हमको प्रेम है इनसे, इसीलिए हम इस मामले में कोई भी कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब कंसीडरिंग हम यहाँ पे नहीं करेंगे, कंसीडर का आईएनजी हम इस पर नहीं लगाएंगे, सेंस ऑर्गेन्स की बात है। और आप इसको बढ़िया से जानने लगे, अब धीरे धीरे डीपली जान गए, सब कुछ नौ कर गए, नोविंग यहाँ नहीं करेंगे। आपको अचानक पता चलता है कि ये लड़की मैरिड है, तो आप यहाँ पे हैट आने की हम इस पर इससे नफरत नहीं करेंगे। तो हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं ये समझिएगा, हम आपको कुल मिलाकर ये बताना चाहते हैं कि यहाँ जितना भी वर्क है आपका सेंस ऑर्गेन्स ऑफ वर्क है, और जितना भी सेंस ऑर्गेन्स ऑफ वर्क है, एक और वर्ड लेते हैं, हैव का हैविंग नहीं करेंगे। आपने इस लड़की पर बिलीव किया था, इसीलिए इस पर बिलीविंग नहीं करेंगे। तो ये सब वर्ड्स जितना भी होता है ये वर्क ऑफ सेंस है, और कोई भी वर्क ऑफ सेंस इज इक्वल नॉट बिफोर, इज नॉट इक्वल टू बिफोर, अने इस किसी भी तरह के वर्ब में हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हमारा ग्रामर का फिर दूसरा रूल कहता है कि अगर इन सभी चीजों का प्रयोग खाने पीने की मामले में अगर हम यूज करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम इसमें आईएनजी लगाकर बिफोर करेंगे, बाकी किसी भी कंडीशन में हम सी का सिंग नहीं करेंगे, लविंग नहीं करेंगे, हियरिंग नहीं करेंगे, स्मेलिंग नहीं करेंगे, हैविंग नहीं करेंगे, बिलीविंग नहीं करेंगे, ड्रीमिंग नहीं करेंगे, टेस्टी नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे, कंसीडरिंग नहीं करेंगे, नॉविंग नहीं करेंगे, और हैटिंग भी नहीं करेंगे। तो इसमें भी फोर का प्रयोग नहीं होगा। इसीलिए अभी जो सेंटेंस लिखे थे हम लोग, आई एम लविंग इट, सेंटेंस सही है, लेकिन आई एम लविंग यू, ये आपका सेंटेंस गलत है। आई एम हैविंग ए पीस ऑफ केक, ये भी सेंटेंस हमारा सही है, क्योंकि जहां खाने पीने की मामला होता है वहां हम आई एन जी नहीं लगाते हैं। तो इसको हम नोट में लिख देते हैं, तो लिखेंगे हम लोग जहां खाने पीने की मामला हो, जहां खाने पीने की मामला हो वहां सेंस ऑफ वर्क में, सेंस ऑफ वर्क में आई एन जी लगता है, और ये कंटिन्यूअस में भी बनता है। तब ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी अगर है तो वो उस पर भी बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाते चलेंगे, चलिए लिखिए इसको। समझ गए हम लोग, चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉपी में ये सब बढ़ जाए, नंबर आपकी बढ़ जाए, संख्या बढ़ जाए, इसीलिए इसमें जो जरूरी था वो हम लोग किए हैं। ऐसे ही से सवाल क्वेश्चन कुछ कम आता है, क्योंकि बचपन से हम लोग कुछ वर्ड्स जो है गलत पढ़ पढ़ करके उसको सबकॉन्शियस माइंड में हम लोग बैठा के रखे हैं, इसीलिए आज इसको एकदम पूरा क्लियर कर लीजिए कि वर्क ऑफ सेंस में जब भी कोई वर्ब आएगा तो उसमें बिफोर का प्रयोग हम नहीं करेंगे। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आपका आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें कोई भी काम जो है वो पूरा हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग परफेक्ट। तो हर टेंस का पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन। आप इसका आइडेंटिफिकेशन क्या पढ़े हैं, तो आइडेंटिफिकेशन हम लोग पढ़े हैं वर्ब के अंत में ये सब लगा रहता है, चुका है, चुका है, चुके हैं, चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूँ, और या फिर रहता है या है, ये है, ई है, या हूँ, ये हो, अगर ये सब लगा हुआ है तो आपका टेंस हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। और इसको बनाने का स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसको लिखते भी चलिए और हम खींचते भी चल रहे हैं। अब इसमें हैज और हैव का अगर हम बात करें तो देखिए हैज कहाँ लगता है, हैज लग जाएगा जब सब्जेक्ट होगा सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस थर्ड
पर्सन, जितना भी सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे, और जितना भी सब्जेक्ट प्लूरल होगा या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होगा तो हम उसके साथ लगाएंगे हैव। तो ये सब के साथ हैव लगाएंगे। हैज को मात्र ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज लगाएंगे, और थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर, ये भी छोड़ दीजिए आप, थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट को छोड़कर, ये इसको छोड़कर जितना भी शेष और सभी सब्जेक्ट है वो सभी के साथ आपको लगा देना है हैव। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर जितना भी सब्जेक्ट है वो सभी के साथ हैव लगा देंगे। लिखते भी चलिए, अब एक दो को सेंटेंस हम लोग ले रहे हैं, अब सेंटेंस लिख रहे हैं। सेंटेंस क्या है, अब यहां दो एग्जांपल ले रहे हैं, आप लोग को बताना है पहले अंदर अंदर ही कि ये सेंटेंस सही है या गलत। आई हैव सीन हिम टू ईयर्स अगो, एक सेंटेंस हम लिए आई हैव सीन हिम टू ईयर्स अगो, एक सेंटेंस लेते हैं He has come yesterday. He has come yesterday. He has come yesterday. देखते भी जाना है सेंटेंस सही है या गलत। एक सेंटेंस लेते हैं, She has died last night. She has died last night. तीन सेंटेंस अब बताना है, तीनों सेंटेंस में क्या सही है और क्या गलत। अब देखो यहां पे अगर हम अब बता रहे हैं, यहां पे हैव और सीन है, यहां पे ये गलत, यहां पे हैज कम है अने हैज के बाद भी थ्री है ये भी गलत, और यहां हैज के बाद डाइड लग गया है इसलिए यहां पे ये भी गलत। हमारा तीनों सेंटेंस रॉन्ग है, कोई भी सेंटेंस हमारा सही नहीं है। आखिर ऐसा क्यों, तो क्यों, इसके लिए कुछ फॉर्मूला यहाँ पे देखिए। हमारा ग्रामर क्या कहता है, हमारा ग्रामर का रूल कहता है, देख लो पहले लिख लो, हमारा ग्रामर का रूल कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में, यहाँ पे ऊपर लिख रहे हैं, मैं इसको हटा रहे हैं, यहाँ से ले लो। अब हमारा ग्रामर का रूल कहता है अगर सेंटेंस में कहीं पे लास्ट वर्ड दिख जाए, अगो वर्ड दिख जाए, प्रीवियस वर्ड दिख जाए, यस्टर वर्ड दिख जाए, कोई भी दुनिया के सेंटेंस में अगर ये सब वर्ड लगा हुआ दिख जाता है, और अगर इसके बाद फिर प्लस अगर मंथ लगा हुआ हो, ईयर लगा हुआ हो, या फिर डे लगा हुआ हो, या फिर आपका कोई वीक लगा हुआ हो, ये सब अगर लग जाता है, अगर किसी भी सेंटेंस में लास्ट लग जाए, अगो लग जाए, प्रीवियस लग जाए, यस्टर लग जाए, तो ये सब लगने के बाद अगर मंथ, ईयर, डे या वीक अगर दर्शाया हुआ है तो ऐसे कंडीशन में ये मामला हो जाएगा सिंपल पास्ट का, ये मामला हो जाएगा सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट का मतलब होता है भी टू, मतलब तब ये सेंटेंस आपका बदल कर बन जाएगा भी टू में, तो मतलब हमारे सेंटेंस में हैज और हैव का प्रयोग नहीं होगा। तो अब देखो इसी का हम अगर सही सेंटेंस लिखेंगे तो हमारा फिर सही सेंटेंस क्या है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये सब वर्ड्स दिखने से तुरंत हमको सेंटेंस में ये चेक करना है कि इसमें भी टू है या फिर नहीं है, अगर बाकी चीज है तो हमारा उसी जगह एरर है। जैसे यहां पे सेंटेंस देखिए, आपने कहा अभी हम लोग सेंटेंस लिखे आई हैव सीन हिम टू डेज अगो, तो देखो यहां वर्ड अगो आ गया है,
एगो वर्ड अगर आ गया तो सेंटेंस में हमारा हैज या हैव नहीं होगा, और ये जो सीन भी थ्री है इसको हम काट करके इसको हम भी टू कर लेंगे, तो देखिए भी टू क्या हो जाएगा, शॉ। तो इसका सही सेंटेंस बन जाएगा आई शॉ हिम, और तब बन जाएगा टू डेज अगो, आपका ये सेंटेंस बन गया। अब सेंटेंस कोई दूसरा अगर दे देता है कि अगर आपको यहां लिखा कि सी हैज डाइड एट लास्ट नाइट, ऐसा अगर सेंटेंस दे देता है तो अब देखिए यहां पे क्या बताएगी, इस पार्ट में एरर है, मतलब आपको यहां हैज हैव का प्रयोग नहीं होगा और ये आपका बदल जाएगा भी टू में, और डाइड खुद एक भी टू है, इसीलिए इसका सही सेंटेंस तो ये आपका गलत हो गया, ये सही है, ये आपका रॉन्ग है, फिर ये आपका सही बन रहा है। तो आपका बनेगा सी डाइड भी टू भी है भी थ्री भी है, और इसके बाद लिखेंगे एट लास्ट नाइट। हम लोग क्या पढ़े कि अगर सेंटेंस में लास्ट यस्टर प्रीवियस के बाद अगर डे दिख जाए, मंथ दिख जाए, वीक दिख जाए, ईयर दिख जाए, या फिर कोई डे नाइट ये सब दिख जाए, तो ऐसे कंडीशन में मामला हो जाता है एस सिंपल पास्ट का, और सिंपल पास्ट का जहां मामला होता है एसपी का, वो आपका भी टू का मामला होगा, तो भी टू वाले वाक्य में हैज और हैव का प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको भी टू कर देंगे। ठीक है, चलिए ये छोटा सा क्लास हम आज एक सिर्फ दो टेंस का करके छोड़ रहे हैं, और फिर आगे हम लोग करके देखेंगे। और चलिए एक वर्ड ले लेते हैं हम लोग। हाँ, वर्ड क्या है, जेनिथ, ZENITH, जेनिथ। और जेनिथ का फिर साइनो क्या होता है, साइनोनिम्स ले रहे हैं, जेनिथ का साइनोनिम्स क्या होता है, जेनिथ का होता है अपेक्स। और इस अपेक्स का जो फिर अपोजिट वर्ड होता है ये क्या होता है जी, नाडीर मतलब धरातल, नाडीर का मतलब धरातल। उल्टा वर्ड हो गया, ये एंटो हो गया और ये आपका शैनो हो गया। किसका साइनो हो गया, जेनिथ का मतलब हाँ वो ऊपर सबसे अपेक्स, किसी शहर का सबसे ऊंचा बड़ा सा टावर। नाडीर मतलब सबसे नीचे धरातल। तो तीन गो वर्ड हो गया, वर्ड को देख लीजिएगा, जेनिथ सबसे ऊपर, अपेक्स किसी शहर का सबसे ऊंचा टावर, और नाडीर का मतलब धरातल। तो तीन गो वाक्यब आपको मिल गया यहाँ, ये सबको देख लीजिएगा, और फिर अगले वीडियो में हम आते हैं। जय हिंद।